दोस्तों, जब हम मार्केट में निकलते हैं तो कुछ शॉप दुकानें ऐसे होते हैं जहां पर हम कभी कभी ही जाते हैं, जिसमें से एक दुकान है गिफ्ट हाउस का या फिर केक का, यानी कि बर्थडे के वहां पे आइटम मिलते हैं। तो हम लोग सिर्फ साल में एक या दो बार ही जाते हैं, जब बर्थडे होता है या मैरिज एनिवर्सरी हो, ऐसे ही टाइम पे ऐसे शॉप पे जाते हैं। लेकिन अगर आप उस गली से गुजरें तो उस दुकान पे आपने अनुमान लगाया होगा कि एक दिन में 4 या 5 व्यक्ति उस दुकान पे जाता है। अगर 5 व्यक्ति ही उस दुकान पे जाता है और 2 या 3 ने भी उस दुकान में ऑर्डर दिया और सामान लिया, तो उनका जो इनकम है वो 1000 रुपये से 1500 के बीच में प्रॉफिट होता है। ये एक छोटा गांव या कस्बा की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ कम एरिया हो। लेकिन अगर भीड़ भाड़ एरिया हो और वहाँ की आबादी ज़्यादा हो तो इस दुकान में 10 या 15 ग्राहक एक दिन में चले भी जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इसी बिजनेस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इसका बिजनेस कहाँ से आपको सामान लाना है, कहाँ से इंपोर्ट करना है, उसके बारे में बताऊँगा, और होलसेल में आप कहाँ से काफ़ी सस्ता ला सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें केक बनाना नहीं आता है, तो दोस्तों बिल्कुल घबराए ना, मैं आपको एंड में थोड़ा सा केक बनाने की विधि के बारे में बता दूंगा और उसमें क्या सामान यूज होता है वो भी आपको इस मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। आप चाहें तो यूट्यूब पर सर्च मारकर केक बनाने के बारे में जान सकते हैं, बहुत ही ईजी है। केक अगर 1 kg केक की बात करें तो 100 रुपये से कम लागत लगता है और उसे 400 रुपये kg बेचा जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसके पूरे प्रोसेस के बारे में। मैं मोनू सिंह और आप देख रहे हैं स्मार्ट वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। आप देख रहे हैं स्मार्ट वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल का आइकॉन भी प्रेस कीजिए। हम लेके आते हैं आपके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो। दोस्तों, बर्थडे का दुकान कुछ इस प्रकार से दिखता है, यानी केक और बेकरी का। यहाँ पर आप घर में सजाने वाले सारे सामान रख ले, यानी कि बर्थडे के समय जो सजावट लगाए जाते हैं वो रख ले, जैसे गुब्बारा हो गया, झालर हो गया, इस टाइप के जो भी होते हैं, बच्चों का टोपी हो गया, जो बर्थडे के समय पहनाए जाते हैं, चाकू वगैरह जो आइटम होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं होलसेल मार्केट दिल्ली में। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तरह तरह के आइटम उपलब्ध हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टोपी, ये अगर आप दुकान से ख़रीदते हैं तो 30 रुपये में मिलते हैं, यहाँ पे आपको 9 रुपये 8 रुपये में मिल जाता है पर पीस के हिसाब से। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्थडे लिखा हुआ आइटम बहुत सारे हैं, और एक ये केक है, और दोस्तों केक का यहाँ पे आइटम आपको उपलब्ध हो जाएगा। जैसे आप चॉकलेटी फ्लेवर में बनाना चाहते हैं, आप पाइनएप्पल में बनाना चाहते हैं, आप तरह तरह के जो भी केक के आइटम होते हैं, यानी कई प्रकार से केक बनते हैं, उसके सारे आपको जो मटेरियल है वो यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा और आप इसे बना सकते हैं। बनाने का विधि मैंने आपको बता दिया, आप YouTube पर सर्च मारिए, 1-2 बार घर पे प्रैक्टिस करें और आपको निश्चित रूप से आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये एक दुकान है होलसेल का, और इसका जो मार्केट है वो न्यू दिल्ली सदर बाज़ार में स्थित है। अगर नियर रेलवे स्टेशन बात करेंगे तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन नियर में है, जो 7 किलोमीटर के दायरे में आता है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में आता है, और एक निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, यहाँ से लगभग 17-18 किलोमीटर के दायरे में आता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको 8-10 दुकान मिल जाएंगे ये होलसेल का, जो गिफ्ट के सामान रखते हैं, यानी कि बर्थडे के गिफ्ट का सामान रखते हैं, आइटम रखते हैं, और यहाँ पे आपको काफ़ी सस्ता में उपलब्ध हो जाएगा। आप अगर सदर बाज़ार जाते हैं तो आपको सिर्फ पूछना है कि मुझे बर्थडे केक उक का सामान चाहिए और इसका मार्केट कहाँ पर है, तो आप वहाँ पे आसानी से जा सकते हैं, वहाँ पे सभी लोगों को मालूम होता है। यहाँ से गुब्बारा भी आप काफ़ी सस्ते में ले सकते हैं। गुब्बारा जिसके अंदर 100 पीस होते हैं बर्थडे वाला, वो सिर्फ 10 रुपये में मिल जाते हैं यहाँ पे। अगर जितना बड़ा लेते हैं आप, उसके हिसाब से आपको रेट बढ़ जाता है, लेकिन आप मार्केट की तुलना में करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे 30% में आपको मिल जाएगा, यानी जो 100 रुपये में मार्केट में मिलते हैं वो यहाँ पे 30 रुपये में मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको मिलाता हूँ, मेरा एक दोस्त का दुकान है और मैंने अभी उसे ओपन करवाया है, लगभग 1 महीना के आसपास हो रहा है, तो मैं उसके दुकान पे चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस प्रकार से वो अपने दुकान में सामान रखा है और कैसे कैसे दुकान को सजा रखा है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए।
अब ऐसे ना ध्यान रहता। तो दोस्तों अभी मैंने आपको अपने एक फ्रेंड का दुकान दिखा। दरअसल ये मेरा भी फ्रेंड नहीं है, मेरा एक फ्रेंड है, उसका फ्रेंड है। मैंने अपने फ्रेंड को बताया था इस बिजनेस के बारे में और वो अपने फ्रेंड को बताया और फिर इस बिजनेस को स्टार्ट किया। तो दोस्तों ये जो अगर आप इसमें लागत की बात करते हैं कि इसमें लागत कितने आने वाले हैं, तो दोस्तों 20,000 रुपये बहुत हैं इस बिजनेस को करने के लिए, लेकिन आपको अलग से एक फ्रिज का खर्च अलग से उठाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ये फ्रिज 40-50 हज़ार रुपये का आता है जिसके अंदर केक रखते हैं। अब ये फ्रिज आपको अलग से है, अगर आप फ्रिज इंक्लूड करते हैं इसमें तो आपका लगभग 70,000 रुपये के आसपास, इसमें 70,000 रुपये से आसपास आपको स्टार्ट करने में लगेंगे। लेकिन दोस्तों शुरू में थोड़ा सा रन करने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार रन हो जाता है तो बहुत ही अच्छा ये बिजनेस है। चलिए मैं आपको अब केक बनाने की विधि के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। दोस्तों मैंने एक लिस्ट तैयार कर लिया है जो बनाने के लिए मटेरियल यूज किया जाता है। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, 200 ग्राम मैदा, 6 चम्मच कोको पाउडर, 1 कप चीनी, 1/4 कप तेल, 1 चम्मच विनेला एसेंस, 1 अंडा, आधा कप पानी और आधा कप दूध। अब क्या करना है, हमें आधा कप पानी को 1 मिनट तक गर्म करना है। उस गर्म पानी में आप आधा चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी मिला दें। अब आपको दूसरा काम करना है कि आपको एक प्लेट लेना है जो केक के साइज का लगभग होता है। उसमें आप थोड़ा सा तेल रखें, थोड़ा सा नमक छिड़ दें, उसके ऊपर से आप बटर पेपर आप डाल दें। उसके बाद दोस्तों आपको एक पेस्ट तैयार करना है। आपने जो 200 ग्राम मैदा लिया है उसे एक बर्तन में रख लें। मैदा रखने के बाद आपको बेकिंग सोडा डाल देना है, जो 1/2 चम्मच आपने बेकिंग सोडा लिया था। उसके बाद आप उसमें नमक डाल दें, उसके बाद आप 6 चम्मच कोको पाउडर डाल दें, उसके बाद 1 कप चीनी डाल दें, उसके बाद 1/2 कप तेल डाल दें, उसके बाद 1 अंडा डाल दें, उसके बाद आप 1/2 कप दूध डाल दें। दोस्तों उसके बाद आपको इसे अच्छी तरह पेस्ट की तरह बिल्कुल मिला देना है। अब आप जैसे ही मिलाते रहेंगे धीरे धीरे, जो आपने मिलाया था 1/2 कप पानी में इंस्टेंट कॉफ़ी, उसे थोड़ी थोड़ी देर में डालते रहें और उसे मिलाते रहें। मिलाते मिलाते वो एक पेस्ट की तरह तैयार हो जाएगा। अब आपको एक प्रेशर कुकर लेना है, कुकर का सीटी आपको निकाल देना है। कुकर की सीटी निकालने के बाद आपको स्टोव ऑन करना है। स्टोव ऑन करने के बाद कुकर में आपको 100-150 ग्राम 200 ग्राम लगभग नमक रखना है। नमक रखने के बाद जो आपने एक प्लेट तैयार किया था बटर पेपर रख के, उस पेपर बटर पेपर वाला प्लेट को आपको रख देना है उल्टा करके कुकर के अंदर, और नमक नीचे रहना चाहिए। उसके बाद आप इस केक को किसी कटोरे में या बर्तन में जिस साइज में ढांचा में आप ढालना चाहते हैं उस प्रकार से सब आप मिक्स किया हुआ इसमें रख दें। उसके बाद कुकर को बंद कर दें। अगर आप स्टोव यानी गैस चूल्हा यूज कर रहे हैं तो उसको लगभग 40 मिनट तक चलने दें। अगर आप कोई और साधन यूज कर रहे हैं तो 50 मिनट भी हो सकता है। अब आपका केक 50 मिनट बाद कर तैयार हो चुका है। आप उसमें से बाहर निकालें और उसे देखें, आपका केक सेम वैसा ही होगा जैसा आप मार्केट से खाते हैं खरीद कर या आप बर्थडे में मंगाते हैं। तो दोस्तों ये है केक बनाने का विधि। आप इसका ज़्यादा जानकारी YouTube पर सर्च मारकर ज़रूर ले लें। आप 1-2 बार घर पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको निश्चित बनाना आ जाएगा।
दोस्तों मुझे भी नहीं आता है और मैं कुछ इसका स्पेशलिस्ट भी नहीं हूँ, मैं बनाना जानता हूँ इसके विधि के बारे में, इसलिए मैंने आपको अपने टूटी फूटी शब्द में सिर्फ समझाना चाहा हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा इतना ही है, दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।